हेलो फ्रेंड्स, आपका आरकेयू टेक्निकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लें आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अगर जैसे कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए जाते हैं तो आप आधार कार्ड सेंटर जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो दोस्तों, हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हैं, कंप्यूटर पर। यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और इसमें सरकारी रिजल्ट साइट खोलेंगे, सरकारी रिजल्ट डालेंगे, इस पर एंटर करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले ऊपर साइट खुलेगी सरकारी रिजल्ट .com, इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का बॉक्स आएगा। इसमें आधार कार्ड ये तीसरे नंबर पे है ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तीसरे नंबर पर, इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे हम। ये यहाँ पे है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर हम क्लिक करेंगे, जो सरकारी वेबसाइट है इनकी, आधार कार्ड वालों की ऑफिशियल, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा माई आधार। इसमें तीसरे नंबर पे है बुक एन अपॉइंटमेंट, माई आधार कार्ड में इस लाइन में तीसरे नंबर पे बुक एन अपॉइंटमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगाता है, सरकारी साइट है इसलिए थोड़ा टाइम लगाता है, सरकारी चीज़ें तो टाइम ही लगाती हैं, थोड़ा स्लो ही चलती हैं सरकारी चीज़ें, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक दो मिनट, एक दो सेकंड का टाइम लगेगा और ये साइट खुल जाएगी हमारी। ये अभी हमारी साइट खुलती है धीरे धीरे करके। ये हमारी साइट खुल गई है और यहाँ पे जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें अपना, जहाँ पे भी है, हम इसमें सारी जगह का नाम है चंडीगढ़ वगैरह, जो भी हमें जगह का नाम, हम दिल्ली इसमें सेलेक्ट करेंगे और इंद्रलोक, इसमें दिल्ली में जितने भी सेंटर हैं वो आते हैं, दिल्ली में तीन हैं तो तीनों आएंगे, इंद्रलोक है, आश्रम है और एक और है, हम इंद्रलोक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम अपना ये क्लिक है इस पर आधार कार्ड अपडेट पे, यहाँ पे क्लिक रहेगा और यहाँ पे हम अपना नंबर डाल देंगे, यहाँ पे हम अपना नंबर डालेंगे और ये सामने जो कैप्चर कोड है ये हम यहाँ पे डालेंगे, कैप्चर कोड यहाँ पे हम डालेंगे। गेट OTP, ये नंबर गलत हो गया, एक बार फिर से हम नंबर डालते हैं, ये कैप्चर कोड हमारा, OTP गया है हमारे नंबर पे, जो हमने ये नंबर डाला है उस नंबर पे हमारा OTP गया है। ये OTP हम एक बार अब देख के, मोबाइल में मैसेज आएगा तो देख के हम डालते हैं, मैसेज आ गया है, यहाँ पे हम OTP डालते हैं अपना, फिर उसके बाद हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। ये वेरीफाई OTP है, इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आया है कौन सा हमें एड्रेस अपडेट करना है या कुछ भी, तो एड्रेस हमें करना है तो इसमें हम एड्रेस इसमें डालेंगे अपना आधार नंबर, पहले रेजिडेंस में सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद आएगा कि हमें क्या क्या अपडेट कराना है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डालते हैं, जो भी हमारा आधार नंबर है, आधार नंबर 12 अंकों का रहता है, वो हमें आधार नंबर यहाँ पे पूरा का पूरा 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। इसके बाद हम अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, यहाँ पे हम अपना नाम टाइप करेंगे, जो भी स्पेलिंग है हमें ढंग से देख के डालनी है, गलत ना हो यहाँ पे। इसके बाद हम नाम डाल के यहाँ पे
हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा राज्य है, जहाँ से भी हैं हम। यहाँ पे भी हम दिल्ली, न्यू दिल्ली कर लेंगे सिटी, और यहाँ पे हम इंदरलोक कर लेंगे, हमें इंदरलोक वाला पास पड़ेगा, तो इसलिए हम इंदरलोक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अपना क्या क्या अपडेट कराना है, सबसे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, एड्रेस अपडेट कराना है, दो ही चीज़ें हैं हमें। अगर डेट ऑफ बर्थ ऐड करा अपडेट कराना हो तो डेट ऑफ बर्थ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने यहाँ का पिन कोड डालेंगे, जो भी हमारा वहाँ का पिन कोड है, वो हम पिन कोड डालेंगे यहाँ पे अपना। फिर यहाँ पे गांव का नाम डालेंगे, जो भी हमारा सिटी है वहाँ का हम अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे आ जाता है, इसमें हमें सेलेक्ट करना है बस कौन सा हमें नाम डालना है। अपना पोस्ट ऑफिस भी है, इसमें आ जाएगा, सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना केयर ऑफ फादर है तो फादर का नाम, अगर पति है तो पति का नाम, जो भी है हम यहाँ पे डालते हैं। केयर ऑफ का मतलब यही होता है कि अगर फादर हैं तो फादर का नाम डालते हैं, अगर शादी हो जाती है, अगर कोई लड़की है तो उसके पति का नाम आता है। यहाँ पे हम केयर ऑफ में डालेंगे हम। उसके बाद में हम अपना हाउस नंबर डालेंगे, मकान नंबर, यहाँ पे हम अपना मकान नंबर डालेंगे, जो भी हमारा मकान नंबर है। उसके बाद गली नंबर डालेंगे, जो हमारी गली नंबर है, सड़क नंबर जो भी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। गली पूरी लिखनी है, GALI, गली नंबर ऐसे करके डालना है, क्योंकि उसमें गली नंबर ऐसे ही आएगा। अगर हम सिर्फ नंबर डाल देंगे तो उसमें सिर्फ नंबर ही आएगा, हमें ये ध्यान रखना है। गली नंबर डाल के फिर डालना है हमें अपना लैंडमार्क डाल देना है हमें, फिर उसके बाद अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे आएगा, हमारा इलाका सेक्टर में हमारा पूरा एड्रेस आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम अपना पूरा एड्रेस डालेंगे। जो भी हमारा एड्रेस है वो हम यहाँ पे प्रॉपर पूरा एड्रेस डालेंगे। फिर उसके बाद हमें अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, जिसके भी आप पे हम अपना अपडेट करेंगे। हमारे पास है MLA का सर्टिफिकेट, MLA से बनाया हुआ एक वो है लेटर हेड। दोस्तों इसमें 16 तारीख का अपडेट था, इसमें 16 तारीख में सारे के सारे फुल हैं, क्योंकि ये 15 दिन तक के ही खोलता है, इसमें सारे के सारे फुल हैं। अगर कोई भी का स्लॉट खाली होता तो वो वाइट होता, और ये सारे के सारे रेड हैं, तो इसलिए सारे के सारे फुल हैं भरे हुए। अब हम अगर वाइट होता तो हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर देते, तो हमें थोड़ी देर बाद चेक करेंगे हम अगले दिन रात के टाइम। तो दोस्तों ये ऐसे यहाँ पे हमें बस क्लिक कर देना है और हमारी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ऐड अपॉइंटमेंट मिल जाएगी यहाँ पे, हम इस पे ही क्लिक करना है बस। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।